मैंने पहले बताया किसी ने उनका मर्डर कर दिया। कौन कर सकता है ऐसा? मैं वही पहुंचा। मकर वारदात पर एक नोटबुक मिली जिसमें दो एड्रेस, पहला रिज रोड शिमला और दूसरा रोजवेल गेस्ट हाउस। क्या? जी। एसपी साहब को जैसे ही इसकी खबर मिली उन्होंने मुझे भेजा ताकि मैं पता लगा सकूं कि चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के घर का और यहाँ रहने वाले मेंबर्स का क्या रिलेशन। कोई रिलेशन नहीं है, ये से भी कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन एसपी साहब को एक कोइंसिडेंस नहीं लगता, पहले तो वो खुद आने वाले, लेकिन खराब मौसम के चलते उन्होंने मुझे भेजा ताकि मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके उन्हें दे सकूँ और इस बार यहाँ रहने वाले मेंबर्स की सेफ्टी के लिए जो भी करना पड़े वो कर दें। सेफ्टी? हमें किस बात का खतरा है? आपके कहने का मतलब है आप ही मर सकते हैं? मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता पर ऐसा हो सकता है। लेकिन क्यों? नहीं तो मुझे जानना। इंस्पेक्टर आपको और भी कुछ पता है? जी मिसेस देव, मकर वारदात पर जो नोटबुक मिली थी उसमें एड्रेस के अलावा एक लाइन और लिखी, थ्री ब्लाइंड माइस, और लाश के ऊपर से कागज भी मिला जिस पर लिखा था ये पहना है, और उसके नीचे तीन चूहों की ड्राइंग और थ्री ब्लाइंड माइस की म्यूजिकल नोटेशन भी। जैसा कि एसपी साहब मानते हैं कोई ना कोई करेक्शन तो होगा। शेखर साहब आपका कहना है कि आपका चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी केस से कोई लेना देना नहीं है, सही? हाँ सही। आपका मैडम? हाँ नहीं, मेरा मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। घर के नौकरों का क्या? यहाँ कोई काम नहीं है और मुझे किचन में काम दिया जा सकती है। जी सर। मैं बहुत छोटा था ठीक से याद नहीं। किसी को और कुछ कहना? ठीक है, अगर यहाँ पर एक और खून होता है तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। शेखर साहब क्या मैं पूरा घर देख सकता हूँ? मुझे नहीं पता। जरूर कोई आपके आने की आवाज सुनकर और दरवाजे से भाग गया होगा। याद कीजिए मिसेस रोज, कौन सा दरवाजा था? लेफ्ट का या पास का कोई? मुझे नहीं याद है, मुझे नहीं याद है कि वो कैसे आवाज थी। उसको और परेशान करना बंद करो, उसकी हालत देख रहे हो? शंकर साहब यहाँ पर मर्डर हुआ है, मर्डर। आप सभी ने अभी तक मेरी बातों से सीरियसली नहीं लिया, मिसेस तोलवाल ने भी नहीं लिया था, उन्होंने मुझसे सब कुछ छुपाया और आप लोगों ने मुझे सच नहीं बताया। मिसेस तोलवाल मर चुकी है, अब अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया बीमारी किसी और की होगी। कोई और भी? लेकिन क्यों? क्योंकि वो तीन चूहे थे। यहाँ के हालात देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस है। जरा देखते हैं मिसेस पोलवाल के मरने पर बाकी लोग कहाँ मौजूद हैं। मिसेस राव ने कहा था कि वो किचन में खाना बना रही हैं। आप किचन से बाहर आए, कॉरिडोर से ओपन हॉल में, आपकी लाइट ऑफ थी। आपने लाइट ऑन की तभी आपकी नजर मिसेस पोलवाल पे पड़ी और आप चिल्लाए। हाँ, चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी लोग अंदर आए। सब लोग अलग अलग जगह से लगभग एक समय में अंदर आए। मिसेस पोलवाल के मरने से पहले जब मैं बाहर गया था उससे ठीक पहले शेखर साहब आप अपने बेडरूम में करके टेलीफोन मिसेस रोज चिल्लाई, तब आप कहाँ? मैं बेडरूम में था, दूसरा टेलीफोन भी डेड है। खिड़की से देखने लगा कि फोन का वायर तो नहीं कटा है, जब मुझे नहीं दिखा मैंने खिड़की बंद की और तभी रोज चिल्लाई। ऐसा काम करने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगा आपको? शायद उस समय में कुछ सोचने लगा। राज साहब आप कहाँ? आप गैलरी में टकराए नहीं। बात से याद नहीं।
हो सकता है ये वही शख्स हो जिसने उस घटना से बहुत दुखी होकर छोटे बच्चे को गोद लिया हो सकता है लेकिन उस गोद लेने वाले शख्स की जानकारी मिल पाना मुश्किल मतलब आपको नहीं पता कि वो इसको काम होगा जरा सोचिए उस गोद लेने वाले शख्स को रोज वो बच्चा आज भी झुलस रहे उन बच्चों की दर्दा ज्यादा को बताता रहा होगा और ये सुनते सुनते एक दिन उस शख्स ने उसके इसमें लापता रहे उसको पुस्तकता नहीं मिली ना इसे फिर कहानी मैं उसे भूलूंगा
लेकिन आप लोग मिसेस कोलमैन की तरह मुझसे कुछ भी मत छुपाइए। तुम जो कुछ भी छुपा रहे हो मत करो, तुम्हारी जान को खतरा है। जो दो खून कर चुका है वो तीसरा भी कर सकता है। तुम अगर चुप रहे तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अभी भी वक्त है, अगर तुम चुप रहे तो बहुत देर हो जाएगी। याद रखो, उन्हीं को इसमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब सब जा सकते। Be
मेहमान आने वाले हैं, वो हमारे लिए एक सारी गिफ्ट लाएंगे। पहली ना मैं लिखा था दूसरे लेटर जो सती के पहले लेटर के कुछ दिन बाद लिखा था, गुनाह करने से ज्यादा गुनाह जानते हुए भी चुप रहना बड़ा गुनाह है। आपको बता, उस वक्त आग लगने से पहले उन दरिंदों की गरिंदगी की वजह से कई बच्चे